हमारी स्टोरी का टाइटल पढ़कर आप जरूर सरप्राइज रह गए होंगे, लेकिन ये बात सच है कि भारत में शाहरुख खान का रोल भी है। जी हाँ, फिल्म की रिलीज से पहले और रिलीज तक इस बात का बिल्कुल खुलासा ना ही मेकर्स ने किया था और ना ही सलमान खान ने। आपको बता दें कि जब सलमान खान फिल्म में अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी लाइफ के अलग अलग दौरों के बारे में बताते हैं, तो 90 के दशक के दौरान ही होती है शाहरुख खान की एंट्री। और आपको बता दें कि शाहरुख खान बकायदा आपको स्क्रीन पर नजर भी आते हैं, लेकिन जिस तरह और जिस अंदाज में भारत में शाहरुख खान के सीन का खुलासा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक सीन में सलमान खुद को शाहरुख खान का जबरा फैन बता रहे हैं। इसके बाद एक सीन में शाहरुख की ही फिल्म डर का सीन चल रहा है, जिसमें वो अपना फेमस किरण वाला डायलॉग बोल रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के गानों पर भी परफॉर्म करते नजर आते हैं। दरअसल एक सीन में सलमान खान फिल्म में बने उनके दोस्त सुनील ग्रोवर के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन के हिट गाने के पग घुंघरू बांध मीरा, खई के पान बनारस वाला और अपनी तो जैसे तैसे पर नाचते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक सीन में सलमान खान 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर को भी सबसे अच्छे इंडियन क्रिकेटर बता रहे हैं। भाई अब ये हुई ना पक्की दोस्ती। भले ही शाहरुख खान ने साक्षात आकर फिल्म में कैमियो नहीं किया, लेकिन सलमान ने कैसे भी करके शाहरुख को भारत में इंक्लूड कर ही लिया। इसी के साथ सलमान ने भारत में शाहरुख का कैमियो भी करा दिया और लगे हाथ शाहरुख के फैंस को भी ईद का तोहफा दे दिया। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म जीरो में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी, लेकिन अब सलमान की फिल्म भारत में शाहरुख को शाहरुख के ही रोल में देखना वाकई में बेहद इंटरेस्टिंग था। अब जिन लोगों ने भारत नहीं देखी है वो डेफिनेटली ये सीन देखकर बेहद खुश होने वाले हैं।